अस्सलामु अलैकुम, मैं ज़मीर और आप देख रहे हैं ज़मीर 91 चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब भाई खैरियत से होंगे। आज आपको बताना चाह रहा था 20,000 mAh पावर बैंक के बारे में। मेरे पास पावर बैंक आया बहुत ही बेहतरीन किस्म का। इससे पहले आपको बताता चलूँ भाई, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन का बटन दबाना और लाइक कमेंट ज़रूर करना। तो आपको बताता चलूँ 20,000 mAh पावर बैंक, उसकी बिल्कुल मुनासिब कीमत है, कोई इसकी कीमत ज़्यादा नहीं है और बहुत ही बेहतरीन किस्म का है। और अभी मैं आपको इनबॉक्स करके दिखाता हूँ और ये काफ़ी बेहतरीन किस्म। और उसके साथ मज़े की बात यह है कि 3 USB पोर्ट दिए गए इसमें, एक साथ आप इसमें 3 मोबाइल अपने चार्ज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने ऊपर ये एक बटन और इसके ऊपर ये पॉइंट भी जो है ना वो शो होते हैं कि मतलब 25% हो गया अभी आपका पावर बैंक, और 50% हो गया, 75% और 100% कितनी देर में, ये भी आपको साथ साथ बताता रहता है। और ये पावर बैंक चार्ज होने में भी इतना टाइम नहीं लेता, क्योंकि ये मोबाइल वाले पावर बैंक के साथ भी चार्ज हो सकता है। और इसके साथ जो केबल दी गई है वो फास्ट केबल दी गई है, काफ़ी पावर बैंक वगैरह होते हैं उनके साथ केबल जो होती है वो नॉर्मली होती है, लेकिन जब भी आप पावर बैंक वगैरह को चार्ज करते हैं तो इसकी अपनी केबल से चार्ज किया करें। और आपको बताता चलो, इसके ऊपर एक बटन दिया हुआ, उसको अगर आप 2 से 3 बार प्रेस करेंगे, इसमें लाइट है, वो लाइट भी ऑन हो जाएगी। ये आपकी काफ़ी काम की चीज़ है, क्योंकि जब लाइट वगैरह नहीं होती तो घर में एमरजेंसी में ये काम आ सकती है आपके। और इसके साथ साथ ये भी आपको बताता चलूँ कि बिल्कुल मुनासिब है और बिल्कुल नॉर्मल है, कोई इतना खास नहीं है, स्लिम टाइप का है ये, और आपके पॉकेट में भी आसानी से आ सकता है। और 20,000 mAh है। अब आपके मोबाइल की बैटरी की टाइमिंग के हिसाब से होता है, काफ़ी मोबाइल इस तरह के होते हैं जैसे कि उनकी बैटरी टाइमिंग 5,000 भी होती है, 6,000 mAh भी होती है। अगर 5,000 mAh बैटरी वाला मोबाइल है तो वो मैक्सिमम आपके 4 मोबाइल चार्ज करेगा ये, और अगर 6,000 mAh बैटरी पावर वाला है तो वो फिर 3 मोबाइल आपके चार्ज करेगा। तो भाई आपको बताता चलूँ, मेरे जो बहुत बहुत आपकी सपोर्ट का शुक्रिया, और मुझे सपोर्ट करते रहना इसी तरह से, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन का बटन दबाना। अल्लाह हाफिज़।